अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में मलाई बोटी रोल बनाने की रेसिपी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ पर मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया और उसको मैंने क्यूब्स में जो है कट कर लिया है। जी तो मैंने 1 teaspoon सॉल्ट लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया 1.5 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 2 tablespoon मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon मैंने लिया है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पिसी हुई, और यहाँ पे मैंने लिया है 2 tablespoon मिल्क पाउडर, 1 teaspoon या 1 cube आप लहसुन अदरक के पेस्ट की ले सकते हैं, और साथ ही मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्चें लिया और उसको ग्राइंड कर लिया है। 1/2 teaspoon यहाँ पे मैंने कुटी हुई सफ़ेद मिर्च ली, आप इसे पिसी हुई भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने 2 tablespoon लिए है मलाई, 4 tablespoon यहाँ पे मैंने लिया है दही। जी तो अब हमने करना ये है कि जितने भी स्पाइसेस यानी जितने भी हमने मसाले यहाँ पे लिए हैं वो सब हमने जो है इसमें ऐड कर देना है, उसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके हमने रख देना है 1/2 घंटे के लिए। तो हम फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेते हैं और उसको मैरिनेट कर लेते हैं। और हमेशा की तरह मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon के करीब वेनेगर, आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, और इसको आप मिक्स करके रख देंगे हम 1/2 घंटे के लिए। जी तो हमने पैन में सिर्फ 2 tablespoon जो है ऑयल ऐड करना है, और साथ ही हमने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना है, और इसको हमने कुक करना है 15 मिनट्स के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर रख देंगे। जी तो 15 मिनट्स हो चुके हैं, आप कुछ सूरत हाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चिकन ने अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिया है और तकरीबन गल चुका है। तब हमने इसका फ्लेम जो है मीडियम कर देना है और उसके जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। जी तो आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट यहाँ पे बस मुझे लगे हैं और इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से भुन भी चुका है। तो हम अब फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और उसको साइड पे रख देंगे। चिकन रेडी हो चुका है, तो अब बारी है सॉस रेडी करने की। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 cup मेयोनीज का, और साथ ही मैं 1/2 cup ही लूँगी केचप का। मैंने यहाँ पर गार्लिक लिया, आप टोमेटो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोबैस्को सॉस 2 tablespoon, आप इसमें ऐड कर दें, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इस तरीके से आप इसको सैंडविचेस में भी लगा सकते हैं, आप इसको बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सॉस बनता है इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये बन चुका है, अब फ्राई करते हैं पूरी। जी तो पूरी की कहानी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, व्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी कि मुझे CSG से तो पूरी मिली नहीं थी। फिर मैं घर पर आई, तो घर पर आते ही एक गुड न्यूज़ ये मिली कि पापा की कॉल आ गई कि जो राशन मंगाना है वो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। तो मैंने फटाफट से उनको व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप करते ही मैंने पूरी भी उनको बोल दिया और इस तरीके से पूरी आ गई। तो सबसे पहले हम इस पर लगा रहे हैं जी सॉस जो हमने तैयार किया है, सॉस लगा लेंगे और फिर हम इसके ऊपर रखेंगे बोटियाँ। आप इसके अंदर प्याज वगैरह सब ऐड कर सकते हैं, मैंने बाकी रोल्स में ऐड किया था और जो मैं दिखा रही थी उसमें ही मैंने ऐड नहीं किया और मैंने उसको ऐसे ही रोल कर दिया। जी तो अब ये करना है, जो पूरी जिसमें आई थी मैंने उसमें ही इसको फोल्ड कर दिया है और ये बनकर हो चुका है तैयार। तो मलाई बोटी रोल बनाना आसान है ना, तो ये बनकर हो चुका है तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।